हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में। जी हां, जिसकी वजह से एक बार फिर से देश भर में हड़कंप मच चुकी है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी हां, देर ना करते हुए सबसे पहले मैं खबर आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का डर दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 यात्रियों के पॉजिटिव मिलने से मचा है हड़कंप। जी हां, जब से कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन आने की बात हुई, उससे पहले ही ब्रिटेन में कोरोना से ज़्यादा घातक 70% ज़्यादा जो है ये बीमारी और घातक है कोरोना वायरस से। और इसका जो नया स्ट्रेन है उसके मिलने की आशंका को लेकर यहाँ पर यानी भारत में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल पैदा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर काफ़ी सावधानी बरत रही। इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से मच चुका है हड़कंप। जी हाँ, कोरोना वायरस के जो नया स्ट्रेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन कुछ इस प्रकार का जो है ये नया स्ट्रेन दी जा रही है। और पूरी तरह से एयरपोर्ट पर 50 यात्रियों को जो है क्वारंटाइन में रहने की सलाह भी दे दी जा चुकी है। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी सतर्कता बरत रही है। इस वजह से वह विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लगातार जाँच कर रही है। इस बीच 6 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। इसके अलावा 50 यात्रियों को क्वारंटाइन में रहने की सलाह भी दी गई है। वैसे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बीच ब्रिटेन से दिल्ली लौटे सैकड़ों IGIO एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। वहीं यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रशासन पर बदइंतजामी समेत कई आरोप लगाए हैं। इस दौरान यात्रियों और वहां मौजूद सुरक्षा बलों के बीच बहस भी हुई। आपको बता दें कि ब्रिटेन में नए प्रकार के कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण भारत सरकार भी सतर्क हो चुकी है। और इस वजह से मंगलवार की रात 12 बजे के बाद ब्रिटेन से भारत कोई उड़ान नहीं आएगी। यही नहीं, इस बीच जो उड़ानें आ रही हैं उनके यात्रियों को भी RT-PCR जांच के बाद ही घर भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक नया वायरस जो है इंतजाम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इससे आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। सरकार भी पूरी तरह से जो है इसको लेकर सतर्क हो चुकी है। एयरपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ब्रिटेन या यूरोप जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, जब तक इस स्ट्रेन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल सके। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस जिस प्रकार से पूरी दुनिया में चाइना के वुहान शहर से निकला और पूरी दुनिया पे जो इसका प्रकोप छाया और लगभग 8 महीनों से ज्यादा पूरी दुनिया जो है जैसे ठप हो चुकी, जो है ये ऐतिहासिक था। जी हाँ, क्योंकि इससे भयंकर बीमारी आज तक इससे पहले जो है इस धरती पर नहीं आई, जिसकी वजह से अब नए स्ट्रेन को आकर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में सतर्कता भी है और सभी लोग जो है काफ़ी चिंतित हैं कि कहीं ये बीमारी कोरोना से ज़्यादा तेजी से फैलने ना लगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुँच सके कि नया स्ट्रेन आ चुका है, जिससे हमें और आपको सतर्क रहना है। धन्यवाद।